guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Mansi and I really hope you all are doing great. So in today's video, I'm going to share with you guys this green polo eye look and I really hope you like the makeup look. I will say if you did, please hit the like button and please consider to subscribe to my channel if you haven't already. And yeah, without wasting more time, let's get into the video. So सबसे पहले I'm going to use Lakme Peach Milk Soft Cream because ऑब्वियसली आपकी स्किन हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है बिफोर मेकअप. एंड या मैं प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करती हूँ लाइक प्रॉपर CTM, बट मैं वो शो नहीं करती हूँ. मैं डायरेक्ट मॉइस्चराइजर से चालू करती हूँ. एंड देन मैंने लिया है ब्लू हेवन का प्राइमर एंड इसको मैं अपनी टी जोन में फोकस करते हुए पूरे फेस में नेक में अप्लाई कर लूँगी. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ फिट मी कंसीलर इन द शेड 330 हनी एंड इसको मैं अपने आईलेट्स में अप्लाई करके एक बेस क्रिएट कर रही हूँ. एज यू कैन सी इन द वीडियो, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद मैं उसको भी सेट कर लूँगी यूजिंग मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर. इट्स एन अमेजिंग कॉम्पैक्ट पाउडर एंड बहुत ही सस्ता है, सो यू कैन गो विद दिस कॉम्पैक्ट. एंड देन मैंने लिया हिलारी रोडा का आई शेडो पैलेट एंड ये जो कलरफुल वाला है उसमें से ये ग्रीन शेड ले रही हूँ मैं, जो लाइट ग्रीन शेड है. एंड उसको पूरे क्रीज पे मैं ब्लेंड कर लूँगी यूजिंग अ ब्लेंडिंग ब्रश. ये ज़्यादा बड़ा ब्रश नहीं है, छोटा ही है ये साइज़ में. सो इसको मैं पूरे क्रीज के ऊपर एंड क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लूँगी यूजिंग सर्कुलर मोशंस ताकि कलर फेड होता जाए अपवर्ड्स में. एंड देन ये ग्रीन शेड है, पता नहीं क्यों कैमरा में ब्लू दिख रहा है, बट ये ग्रीन शेड है, हल्का सा डार्क है उस शेड से. एंड इसको मैंने अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लिया है एंड क्रीज लाइन पर एग्जैक्टली अप्लाई करना है. एंड देन डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन शेड से फिर से ब्लेंड कर लेना है ताकि कलर काफ़ी अच्छे से ग्रेडियंट इफेक्ट सा दिखे एंड ब्लेंड हो जाए प्रॉपरली. देन मैंने लिया है ये डार्क ग्रीन शेड एंड इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर्स में एंड इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली वी आर क्रिएटिंग अ होलो आईज नाउ. काफ़ी लोग होलो आईज के लिए ना कंसीलर भी अप्लाई करते हैं, बट यू रियली डोंट नीड अ कंसीलर इफ़ यू हैव लाइक अ ग्लिटर शेड रियली पिगमेंटेड. तो मैंने कोई कंसीलर का यूज़ नहीं किया. मैंने एक वीडियो बनाया था आई गेस ब्लू होलो आईज, उसमें मैंने कंसीलर यूज़ किया था. मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसमें डायरेक्टली शेड को अप्लाई कर लूँगी एंड ये काफ़ी अच्छा लुक देगा विदाउट कंसीलर टू. बट या अगर आपका शिमर शेड ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है सो यू कैन गो विद द कंसीलर, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज लुक आता है टू बी ऑनेस्ट. बट मुझे थोड़ा ईजी रखना था इसको तो मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया. नेक्स्ट मैंने लिया ही गोल्डन शेड एंड इसको मैं जो मैंने ग्लिटर वाला ग्रीन शेड अप्लाई किया था ना उसके सेंटर में डायरेक्ट सेंटर पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक स्पॉटलाइट इफेक्ट दे. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सीइंग. देन मैंने लिया है फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 238 एंड इसको मैं पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर. यू कैन यूज अ ब्रश इफ़ यू वॉन्ट एंड यू कैन यूज़ योर फिंगर्स टू अगर आपको बने तो. एंड इसको डाइविंग मोशन में ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस में एंड नेक को कभी मत भूलिएगा. और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने ले लिया है फिट मी कंसीलर फिर से एंड इसको मैंने अपने अंडर आइज़ में अप्लाई किया है लाइक इनर कॉर्नर्स में एंड आउटर कॉर्नर्स में. ये मेरे स्किन टोन का काफ़ी अच्छा मैच है इसलिए मैंने इसको अंडर आइज़ में थोड़ा सा अप्लाई किया है. एंड सेंटर में मैं अप्लाई करूँगी सिस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर विच इज़ इन द शेड 05 एंड इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी प्रॉपरली डैबिंग मोशन में. मैंने सिर्फ अंडर आइज़ में फिट मी कंसीलर यूज़ किया है, बाकी पूरे फेस में मैं यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी वाला कंसीलर बिकॉज आई वॉन्टेड दैट हाईलाइटिंग इफेक्ट, क्योंकि मेरी आइज़ में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा है एंड मेरी आइज़ काफ़ी डार्क हुई है. सो जब आप ऐसा कुछ करते हो तो अपने अंडर आइज़ को और अपने फेस के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं ना, ट्राई कीजिए उनको हाईलाइट करें ना कि नॉर्मली रहने दे. सो मैंने प्रॉपरली हाईलाइट कर लिया है, प्रॉपरली कंसीलर अप्लाई कर लिया है एंड देन ब्लेंड कर लिया है. एंड मैंने अपने पिगमेंटेड एरियाज़ में भी अप्लाई किया था कंसीलर, बताना भूल गई मैं. एंड देन मैंने लिया फिट मी कॉम्पैक्ट अगेन एंड इसको एक स्पंज के हेल्प से मैं अपने अंडर आइज़ में एंड जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ अप्लाई कर ले रही हूँ क्योंकि कंसीलर काफ़ी क्रीमी था एंड जो फाउंडेशन है वो काफ़ी मैट है. तो अगर आप पूरे फेस को सेट नहीं करोगे इससे तो चलेगा, बट कंसीलर को आपको सेट करना ज़रूरी है. एंड जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है मैंने उसको एक ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लिया है पूरे स्किन में, जहाँ जहाँ मैंने नहीं अप्लाई किया था वहाँ वहाँ भी.
एंड या नेक्स्ट मैंने लिया है वही जो डार्क ग्रीन शेड मैंने अपने क्रीज में लगाया था, ना कि जो अपने इनर आउटर कॉर्नर्स में, उसको मैं अपने वाटर लाइन में अप्लाई कर ले रही हूँ. एक्चुअली नॉट वाटर लाइन, लैश लाइन में अप्लाई कर ले रही हूँ एंड देन मैं वही लाइट ग्रीन शेड से उसको ब्लेंड कर ले रही हूँ. नेक्स्ट अपनी ब्राउज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्पेस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल आईलाइनर पॉट एंड इससे अपनी ब्राउज को फिल कर लूँगी. आई रियली रियली लव दिस पाउडर क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है फॉर समवन हु हैव डस्की कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि नॉट एवरी वन कैन यूज़ लाइक ब्राउन शेड्स फॉर योर आईब्रोज. सो इस शेड से मैं प्रॉपरली अपनी ब्राउज को फिल कर ले रही हूँ एंड देन मैंने लिया है इनसाइड का लिक्विड आई लाइनर. यू कैन इवन यूज़ द जेल आई लाइनर, या इट्स टोटली अप टू यू. मैं इस लिक्विड आई लाइनर से एक विंग क्रिएट कर रही हूँ. ज़्यादा बड़ा विंग नहीं होगा, ना आई लाइनर ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ही थिन आई लाइनर है एंड थिन विंग है. एंड देन मैंने लिया है EDS की मैट, मैं भूल गई नाम, इसको लेकर मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी इस पैलेट से एंड अपने फोरहेड को, चीक बोन्स को, नोज़ को, जॉ लाइन को, सबको प्रॉपरली आप कॉन्टोर कर लीजिए. एंड अगर आपको नहीं करना है, आपका फेस काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है या आपको नहीं बनता है, तो यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट. नेक्स्ट मैंने लिया है वही पैलेट से ऑरेंज शेड एंड इसको मैं अपने एप्पल ऑफ द चीक से लेकर पीछे तक ब्लेंड कर लूँगी, अप्लाई कर लूँगी. मुझे एप्पल ऑफ द चीक्स में ना ब्लश लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसलिए अप्लाई किया है. नेक्स्ट मैंने वही जेल आईलाइनर लिया है फेस ब्यूटी वाला एंड उसको मैं एज अ काजल यूज़ कर रही हूँ एंड अपने वाटर लाइन में मैं एक एयरबड के से अप्लाई कर रही हूँ एंड देन जो एयरबड का पीछे वाला पार्ट है उससे मैं काजल को ग्रीन कलर के साथ ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि एक स्मजी इफेक्ट आए लोअर लैश लाइन में. एंड नेक्स्ट मैंने लिया है मार्स का मस्कारा बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ माई फेवरेट मस्कारा. उसके बाद अप्लाई करूँगी मैं आई लैशेज एंड देन अ लॉट ऑफ हाईलाइटर बिकॉज आई लव टू बी लाइक अ डिस्को बॉल. मुझे हाईलाइटर बहुत पसंद है, तो मैं इसको अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स में जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट करती है वहाँ वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी. एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ लिप लाइनर. ये EDS का लिप लाइनर है, मैं इसका शेड मुझे याद नहीं है एक्चुअली क्योंकि वो हट भी गया है वहाँ से ना, तो इस एक रेड शेड है ये बोल्ड रेड एंड उससे मैं अपने लिप्स को लाइन कर लूँगी. नाउ अगर आप हो तो इस आई मेकअप के साथ आप न्यूड लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा रेड कलर ज़्यादा बेटर लग रहा था. लाइक ग्रीन के साथ रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ. आपने शेड देख लिया है लिपस्टिक का, इट्स बाय लैक्मे एनरिच मैट एंड ये काफ़ी अच्छा पॉपिंग वाला रेड शेड है. ये थोड़ी सी ग्लॉसी थी तो मैंने इसको एक टिश्यू पेपर और पाउडर के हेल्प से मैट कर लिया था. एंड या दिस इज़ द फिनिश्ड फाइनल लुक एंड आई रियली होप यू एंजॉय द वीडियो एंड फाउंड इट really really helpful. If you did, please hit that like button, please share this video to your friends and family and jiske liye bhi ye helpful ho and unko bhi bolo channel ko subscribe kar de. And agar aapne nahi kiya hai to please subscribe kar do yaar. I'm actually working really really hard for every subscribe, so yeah, please subscribe, please support me, please like and share जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, जितनों को आप कर सकते हो. And yeah, keep loving, keep supporting, stay home, stay safe, see you all next time, bye, love you all.